इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत। जैसा कि मैं जानना चाहूंगा, इस टाइम यहाँ पर आप बैठे हुए हैं और अनाज की पैकिंग बना रहे हैं, तो इसके बारे में जानना चाहूंगा कि यहाँ पर इस तरह से क्या हो रहा है। ये हम लोगों का एक अभियान चलाया जा रहा है। ये हमारा जो अभियान है वो मुक्ति धाम अनाज बैंक के माध्यम से चलता है जी। हम लोग उन गरीबों का सहायता करते हैं कि वर्तमान समय में जिनके पास राशन कार्ड अवेलेबल है, जाप कार्ड अवेलेबल है, लेकिन कोटेदार उनकी व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसे गरीबों को हमारे कार्यकर्ता हर ग्राम सभा में एक्टिव हैं, उनको चिन्हित करते हैं। चिन्हित करने के बाद वो हमको बताते हैं, हमारा अनाज बैंक उनका जो भी सहयोग बनता है वो उनके घर पहुंच करके उनका सहयोग करते हैं। एक दिन का सहयोग हो, दो दिन का सहयोग हो, जितने दिन का सहयोग होता है, ये हमारा अनाज बैंक उनकी आजीविका की पूर्ति के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो ये अनाज बैंक का जो है नाम कुछ, ये मुक्ति धाम अनाज बैंक के नाम से हम लोग चला रहे हैं। कब से ये हमारा, जब से मोदी जी लॉकडाउन किए हैं तब से ये कार्यरत है, और हमारे जो बड़े भाई हैं चंदू जी, इनका भी सहयोग रहता है, और अन्य जो हमारे वॉलंटियर यहाँ पर दिख रहे हैं, ये दिन में कलेक्शन करते हैं, जो सक्षम लोग हैं उनके पास जाते हैं, उनसे अनाज दान लेते हैं, और दान लेने के बाद यहाँ पर ले आ करके हम लोग गरीबों के आवश्यकताओं के लिए वितरित करते हैं। हमारे साथ अभी इस समय लगभग 50 कार्यकर्ताओं की टीम लगी हुई है, जो हर ग्राम सभा में एक कार्यकर्ता हर ग्राम सभा में एक्टिव है, वो उन ग्राम सभा में भी चिन्हित करते हैं, और वही मुख्य कार्यकर्ता हमको अनाज की पूर्ति भी करते हैं। मेरा नाम आनंद कुमार द्विवेदी है, मैं लेहड़ी ग्राम सभा का रहने वाला हूँ, समाज सेवा में तत्पर रहता हूँ, गरीबों के कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ, उनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं अपने माध्यम से पूर्ण करने और करवाने का उनको भरोसा देता हूँ और करता हूँ। इस बारे में हम लोग ये प्लान जब लॉकडाउन हुआ उसी दिन आनंद दुबे और रिंकू पाड़े दो लोगों ने ये प्लान बनाया कि आपके लिए गवर्नमेंट कितना देगा, क्या कर पाएगा, अगर हम लोग सहयोग नहीं कर पाएंगे तो यहाँ की जनता भूखे मर जाएगी। तो हम लोगों को बैठ के प्लान हुआ कि चुपचाप हम लोग लोगों से राशन कलेक्ट करें, और जो वो गरीब, जैसे गवर्नमेंट भी है, मान लीजिए एक आदमी को 5 किलो एक यूनिट पे दे रहा है, क्या एक महीना वो खा लेगा? 10 दिन में खत्म हो जाएगी, बाकी 20 दिन कैसे खाएगा? उसके लिए हम सब कुछ अपने गांव से 2 किलो 5 किलो 20 किलो 50 किलो जैसे भी होता है लोगों को राशन इकट्ठा करके किसी को मरने न दिया जाए, ये अपना उद्देश्य है और लक्ष्य हम सबका। इस वजह समाज सेवी कहलाते हैं, बहुत अच्छा पहल आपकी है, धन्यवाद। जाना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ मीटिंग चल रही है क्या? नहीं, कोई मीटिंग नहीं है, एक शीला फाउंडेशन ने जो है एक बैंक का स्थापना कर रहा है, जिसमें हर समाज के नेताओं का सहयोग है, उसमें जो है बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, जो है क्रांतिकारी चांद मोहम्मद चंदू भाई साहब, पूर्व में आप चेयरमैन भी हैं भारत गति के, आपने फोन किया कि मैं भी सहयोग करना चाहता हूं और समाज के लिए, और कई जगहों पे ये जाकर किए भी है और कर भी रहे हैं, जैसा अभी कई लोग हैं, मास्टर साहब, डॉक्टर दुबे जी और मौर्या जी, तमाम प्रकार के लोग हैं, जैसे सभी बैठे थे, मास्क नहीं था, हर लोगों के ऊपर मास्क पहनाकर जो है एक जागृत और एक संदेश देना चाहा और संदेश दिए कि डिस्टेंस दूरी होना चाहिए। विशाल द्विवेदी जी सटे हुए थे मेरे पास, उन्होंने डिस्टेंस बनाया कि हर व्यक्ति को अलग अलग बैठना चाहिए आज के डेट में, चूंकि यह महामारी बहुत खतरनाक है, ऐसा चांद मोहम्मद चंदू नेताजी बसपा के हम लोगों को बताए। मैं तो ऐसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक स्वयं सेवक हूँ और समाज के लिए दिन रात काम करता रहूंगा और करूंगा। मिश्रा जी, तो पूरा पता आपका क्या है? जी, मेरा नाम ओपी मिश्रा है, मैं रहने वाला गांव पट्टीनाथ राय का हूँ, और तहसील मेजा है, प्रयागराज जिला है मेरा, और जो मेरा क्षेत्र है वो काशी है। काशी भर में हम लोग दिन रात अपना काम करते हैं, किसी जिले में तो कभी उस जिले में, ऐसा हम लोगों का लगातार काम अनवरत चलता रहा है आज 10 साल। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत।